हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बारिश के मौसम में बाल क्यों झड़ते हैं या बाल क्यों टूटते हैं, क्या कारण है इनके टूटने का और इनके गिरने से कैसे रोकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल तो वैसे सभी मौसम में हल्के फुल्के गिरते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में जब बारिश का मानसून आता है तो बहुत ज़्यादा बाल टूटने लगते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि मौसम में मानसून में पर्यावरण में मौजूद अत्यधिक नमी की वजह से बाल झड़ते हैं। बाल इस नमी को सोख लेते हैं और रूखे बेजान नज़र आते हैं। इसमें नमी कम हो जाती है, जिससे त्वचा कमज़ोर हो जाती है, बेजान हो जाती है और बालों की जड़ें कमज़ोर होने के कारण हेयर फॉल्स होने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं। कभी तो ये नॉर्मल होता है, पर बहुत ज़्यादा कभी कभी बाल गिरने लगते हैं। अब बात करते हैं कि इन्हें गिरने से कैसे रोकें, कैसे हम इसे कम कर सकते हैं, कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, बारिश में भी भीगने पर आकर घर में शैम्पू अवश्य रूप से करें। बालों को साफ सफाई कर नियमित रूप से ख्याल रखें। बालों में तेल लगाकर अच्छे से मसाज करें। शरीर को हाइड्रेट रखें, स्कैल्प को सूखा रखें, संतुलित भोजन लें। बालों में कंडीशनर जरूर करें। मार्केट का कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं या घर में बनाए हुए कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या ना करें, यानी हम और क्या नहीं करें जिससे हमारे बाल और ज़्यादा ना टूटें। तो नंबर वन, गीले बालों में कंघी ना करें। नंबर टू, ड्रायर का उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर थ्री, कंघी को दूसरे के साथ शेयर नहीं करें। चौथा, गीले बालों में तेल नहीं लगाएं, बालों को कसकर नहीं बांधें। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। ऐसी ही जानकारी के लिए